हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ध्रुवी वासंती। तो चैप्टर 5 में हम आज रिवीजन करेंगे। रिवीजन के पहले हम देख ले तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बहुत सारे टॉपिक्स जो है चैप्टर 5 में कैंसिल हो गए हैं, जिसमें फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इम्पल्स और ये सारे जो मेन मेन टॉपिक है वो कैंसिल हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद का जो एक टॉपिक है IMP है, वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो अब हम सीखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे हमने वीडियो तो भेजा ही है आपके पास वो अवेलेबल है, तो आप उसमें से देख के भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट में हम यहाँ पे उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन यानी कोई चीज़ का या फिर कोई क्वांटिटी का उसको जनरेट भी नहीं किया जा सकता और उसका एंड भी नहीं होता, मतलब इक्वल रहता है, बैलेंस रहता है। ओके, तो ये मोमेंटम के लिए हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए क्या, फर्स्ट राइट्स द रूल्स यहाँ पे लिखेंगे लॉ हम। ओके, फर्स्ट लॉ, सो व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम? तो द टोटल मोमेंटम ऑफ एन लिख लेते हैं, राइट इन डबल इन्वर्टेड कोमा। कोई भी लॉ हो तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में ही लिखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। हाउ, लेट्स प्रूव। ओके, फर्स्ट राइट द लॉ इन दिस थियरी, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व्ड। अब यहाँ पे देखो, लॉ के हिसाब से अगर हम देखें, टोटल मोमेंटम तो हमें देखना ही है, बट इन आइसोलेटेड सिस्टम इंट्रैक्टिंग पार्टिकल, अब इंट्रैक्टिंग पार्टिकल के लिए तो हमें एक पार्टिकल में तो ये पॉसिबल नहीं है, तो हमें एक से ज्यादा ही पार्टिकल यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी और पार्टिकल, सपोज द टू पार्टिकल्स और ऑब्जेक्ट लाइक ए एंड बी हुज इनिशियल, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम तो रहता ही है, उसके पास मास और वेलोसिटी रहती है। इफ दैट ऑब्जेक्ट इन स्टैटिक कंडीशन, देन द मोमेंटम इज जीरो, राइट? And when the particle is in moving condition, then the something value of the that the object gets something value of momentum, right? So whose initial momentum are PA and PB respectively, okay? Respectively. Now, आफ्टर कॉलिजन, अब हमें क्या करवाना है, तो आफ्टर कॉलिजन, क्योंकि इंट्रैक्टिंग हो रहा है यहाँ पे, इंट्रैक्टिंग पार्टिकल, तो आफ्टर कॉलिजन हम यूज करेंगे। आफ्टर कॉलिजन द फाइनल मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आर, क्या मिलेगा आपको, हम ले लेते हैं पी डैस ए एंड पी डैस बी रिस्पेक्टिवली। आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन आपको मोमेंटम मिल गए हैं, आपने जो भी ऑब्जेक्ट लिए हैं, ओके, जो भी पार्टिकल लिए हैं ए एंड बी का। नाउ गैस विच इक्वेशन वी कैन यूज हियर, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, वन ए और बी, इनिशियल मोमेंटम दोनों का है और आफ्टर कॉलिजन, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते होंगे, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है तो देयर आर एक्ट थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे इफेक्ट करेगा। ओके, तो इसके हिसाब से हमें मोमेंटम मिलेगा।
तो देखते हैं यहाँ पे क्या आता है. सो आफ्टर कोलिजन द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर पी डैस ए एंड पी डैस बी रिस्पेक्टिवली. सो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे जो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे वो थर्ड लॉ के हिसाब से है, लेकिन फोर्स लगाने के लिए उसको क्या तो मोशन में आना चाहिए, राइट, तभी उस वो कॉलिजन कर पाएंगे. तो उसके लिए हम सेकेंड लॉ यूज करेंगे. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, एफ इज इक्वल एम ए, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, राइट. तो एफ इज इक्वल एम ए के हिसाब से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो देखते हैं. तो देखो एफ इज इक्वल एम, एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम. नाउ सी एम इंटू वी, इट गिव्स मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम एफ. सो टाइम को यहाँ पे ले लो एफ के बाजू में, तो क्या होगा एफ इंटू टी इज इक्वल पी. किसी को याद है ये फॉर्मूला किसका है, तो इम्पल्स का है. दैट मीन्स सेकेंड लॉ जैसे ही फॉलो होगा तो वो एक दूसरे के साथ कॉलिजन करेंगे, और कॉलिजन होते ही क्या शॉर्ट टाइम के लिए बिग फोर्स लगता है विच इज इम्पल्स. क्लियर, तो हम यही फॉर्मूला आप यूज करेंगे. क्लियर फॉर ए एंड बी. तो फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट ए है मान लो, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है तो वो बी पे और बी जो है वो ए पे फोर्स लगाएगा. ओके, तो हम उसी के हिसाब से इक्वेशन लिखेंगे एफ फॉर ऑब्जेक्ट ए, तो ए जो है तो उस पे कौन फोर्स लगाएगा, बी फोर्स लगाएगा, तो उसी के हिसाब से हम इक्वेशन लगेगा एफ ए बी, मतलब बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है इज इन टू कितने टाइम के लिए, तो वेरी शॉर्ट टाइम के लिए इज इक्वल. तो क्या होगा, क्या ये दो ये इस पे फोर्स लगाएगा और ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों का मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा. इनिशियल में क्या होगा और आफ्टर कोलिजन में क्या होगा, तो चेंज इन मोमेंटम यानी पी डैश फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, पी डैश ए माइनस पी ए. क्लियर, ओके, समझ में आया. सो सेम फॉर बी, सेम फॉर ऑब्जेक्ट बी क्या होगा, एफ बी ए, उसका अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी इज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट ए, नाउ ऑब्जेक्ट ए इज एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट बी. क्लियर, इन टू डेल्टा टी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, सो इट गिव्स पी डैश बी माइनस पी बी. चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी. क्लियर, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. चलो, तो मोमेंटम चेंज हो गया, तो मोमेंटम चेंज होने के लिए कौन सा लॉ यूज करना पड़ता है, तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो एफ इज इक्वल माइनस एफ, यानी कि एफ ए बी इंटू एफ बी ए. अब यहाँ पे आप ये सोचोगे कि इंटू डेल्टा टी कहा गया, इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे. क्लियर, लेकिन फोर्स जो है वो टाइम दोनों का सेम रहता है, लेकिन फोर्स जो है एक दूसरे पे अलग लगाते हैं, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, एफ ए बी इज इक्वल माइनस एफ बी ए. क्लियर, चलो पुट द वैल्यू ऑफ एफ ए बी इन दिस इक्वेशन एंड एफ बी ए इन दिस इक्वेशन. सो हियर इज पी डैश ए माइनस पी ए इज इक्वल माइनस पी डैश बी माइनस पी बी. अब जो डैश वाली यानी कि फाइनल टर्म जो है, फाइनल मोमेंटम वाली टर्म को हम एक साथ ले लेंगे, तो पी डैश ए ये माइनस है तो लेफ्ट साइड आएगा, तो प्लस हो जाएगा पी डैश बी इज इक्वल. अब ये देखो, ये इनिशियल मोमेंटम पी ए का माइनस है तो उसको हम इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो जाएगा. क्लियर, तो अब देखो ये इक्वेशन देखो आप क्या प्रूव हो रहा है. द फाइनल मोमेंटम क्या बोल सकते हैं हम इस पे से, द फाइनल मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट आर इक्वल टू इट्स इनिशियल मोमेंटम. सो सी हियर द लॉ, द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम आइसोलेटेड हो जिसमें इंट्रैक्टिंग पार्टिकल इज कंसर्व, दैट मीन्स वॉट, यहाँ पे प्रूव हुआ हमारा इक्वेशन फाइनल इज इक्वल मोमेंटम. सो वी कैन से दैट द मोमेंटम इज कंजर्व हियर.
क्लियर। सो ये एक आईएमपी इक्वेशन है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और उसके बाद एग्जाम दो। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, तो वो है हमारा मोशन ऑफ अ कार ऑन अ प्लान रोड। ओके, तो हम अभी हम देखेंगे मोशन ऑफ कार ऑन अ प्लान रोड। सो मोशन ऑफ अ कार ऑन अ प्लान रोड और अ लेवल रोड, लेवल रोड। ओके, तो ये थियरी भी आईएमपी है, हम दोनों देख रहे हैं यहाँ पे। हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया, अभी हम मोशन ऑफ कार ऑन अ प्लान रोड देख रहे हैं। ओके, तो सपोज एकदम इजी थियरी आपको पता ही है, समझाने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज द प्लान रोड और लेवल रोड एंड द कार इज मूविंग हियर, राइट? द कार इज मूविंग हियर। नाउ सी विच फोर्स आर अफेक्टेड ऑन दिस कार। तो हम जानते हैं क्योंकि हमने बहुत सारे फोर्स के बारे में सीख लिया है, तो उसको नीचे से कौन सा फॉर द वेट ऑफ कार एमजी इफेक्ट करेगा। तो एमजी का ऑपोजिट करने वाला उसका कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। नाउ द कार इज मूविंग लाइक दिस डायरेक्शन, देन द ऑपोजिट फोर्स टू द मोशन इज विच फ्रिक्शनल फोर्स Fs। तो जो भी डायरेक्शन में कार मूविंग करेगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो ये फिगर है हमारी मोशन ऑफ कार ऑन अ प्लान रोड। तो एकदम इजी फिगर है जिसपे से ही हम लिखेंगे यहाँ पे। तो देखो mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इन अपोजिट टू द मोशन। क्लियर। तो फ्रॉम द फिगर हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम द फिगर आपको मैंने ये अच्छे से थियरी समझाई है वीडियो में, यहाँ पे हम सिर्फ रिविजन में हिंट के हिसाब से देख रहे हैं, तो अच्छे से समझ लो, फिर आपको वीडियो के हिसाब से आपने जो नोट्स बुक में लिखा है उसी के हिसाब से आपको लिखना है थियरी। तो फ्रॉम द फिगर फर्स्ट इज अफेक्टेड फोर्स आर द फोर्स, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं द फोर्स आर अफेक्टेड ऑन अ कार विच आर फर्स्ट। तो mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। चलो सेकेंड नॉर्मल फोर्स n इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड थर्ड इज फ्रिक्शनल फोर्स विच इज, फ्रिक्शनल फोर्स में भी कौन सा फोर्स लग रहा है तो वो भी हमें देखना है, क्योंकि स्टेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक दो फ्रिक्शन है हमारे पास, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं अभी, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो अपोजिट टू द मोशन, राइट? क्लियर। फ्रिक्शनल फोर्स एफ जो डायरेक्शन में जा रहा है उसका अपोजिट उसको फ्रिक्शन लग रहा है। क्लियर। चलो तो इतना हमने लिख लिया फिगर पे से। अब देखो फ्रॉम द फिगर तो एक इक्वेशन बन रहा है, नाउ फ्रॉम द फिगर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स का ऑपोजिट mg हमें दिख रहा है क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं, तो n माइनस g इट गिव्स जीरो, देन वी कैन राइट n इज इक्वल mg, राइट? तो ये इक्वेशन में मिल गए। नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये जो कार है मूविंग डायरेक्शन में है या फिर स्टेडी डायरेक्शन में, कोई भी इमेजिन करो, चलो मान लो मूविंग कंडीशन में है, तो वो मूविंग कंडीशन में अभी जा रही है लेवल रोड पे, तो ऐसा नहीं होता सडनली वो खिसक जाएगी या फिर ऐसे तैसे हो जाएगी, ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइड बाय दिस फ्रिक्शन एंड दिस फ्रिक्शन इज स्टेटिक फ्रिक्शन, राइट? तो यहाँ पे जो ये ऐसे ये मोशन में जा रही है ये हमारा रोड है, राइट? इतनी साइज में तो इतनी स्पेस में वो मोशन कर रही है, नहीं इधर आ रही है नहीं उधर जा रही है, बिकॉज ऑफ द सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडिंग बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड द रोड।
टायर्स ऑफ द कार एंड रोड, राइट. सो वी कैन राइट हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द provided to the car by the static friction. Static friction. तो हमें क्या मिलेगा equation? Slant पे से centripetal force is provided by the static friction. So static friction is Fs is equal mv square. What is equation of centripetal force? mv square by r. Clear? इक्वेशन नंबर वन दे दो. नाउ वी नो दैट एफ एस यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन क्या है. सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल म्यू एस इनटू एन. ये तो हमें पता ही है. इक्वेशन नंबर टू. नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन देन व्हाट हैपन. क्या मिलेगा हमें. तो म्यू एस इनटू एन इज इक्वल एम वी स्क्वायर बाय आर, राइट. चलो नाउ ये जो वी स्क्वायर है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर टॉपिक इज व्हाट द मोशन ऑफ कार ऑन अ प्लान रोड. मोशन ऑफ कार ऑन अ प्लान रोड, तो उसके हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पे. तो वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा आपको. तो वी स्क्वायर इज इक्वल म्यू एस इंटू आर इंटू एन बाय एम. तो ये इक्वेशन आपको मिल जाता है यहाँ पे. नाउ सी here is the n is equal mg, so put this value in this equation number 3, then we get v square is equal mu s into r into mg by m, then mm cancel, so v square is equal mu s into r into g. Clear? Now remove this square, then this term is in the root, then v is equal in root mu s into r g. This is the speed of car on a level road. तो यहाँ तक आपको ये थियरी लिखनी है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, वो है एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 5.15. ओके, तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज में 5.15 और 5.16. बोथ आर सेम एग्जाम्पल, क्योंकि मेथड एक ही यूज करनी है. हम इसमें से एक काउंट करेंगे, एक आपको खुद ही करना है, बट दोनों एग्जाम के लिए आईएमपी है, तो आप अच्छे से ध्यान देना. क्लियर? तो अभी हम देख रहे हैं इसको. मैं वैल्यू बुक में से पढ़ रही हूँ, आप भी बुक में देखो कि क्या फाइंड करना है और क्या दिया गया है, वो हम देख लेते हैं. टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली कैप्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ लाइट स्ट्रिंग. चलो तो टू बॉडीज 10 kg एंड 20 kg, M1 एंड M2 ले लेते हैं, 10 kg और ये 20 kg है, राइट. रिस्पेक्टिवली कैप ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस यानी कि एक ही सरफेस पे उसको रखी है. ये एक ही सरफेस है ऐसा मान लो कि जिसपे एक बॉडी रखी है. क्लियर? चलो हम दूसरी फिगर बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, सो कंफ्यूजन नहीं रहेगा. ये नहीं है हमारी फिगर. क्लियर? तो यहाँ पे 10 kg यानी कि M1, ये M2 है 20 kg का, जिसको स्मूथ सरफेस पे रखा गया है. नाउ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग. दोनों ऑब्जेक्ट को जो है वो लाइट स्ट्रिंग के साथ टाइड किया गया है. ओके, लाइक दिस. नाउ व्हाट अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज इक्वल 600 N इज अप्लाइड टू फर्स्ट ए सेकेंड बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग. तो स्ट्रिंग के डायरेक्शन में फर्स्ट आपको ए पे F इज इक्वल 600 N का फोर्स लगाना है. उसके बाद इसका कंप्लीट हो जाने के बाद आपको इस पे 600 का फोर्स लगाना है. तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे क्या फाइंड करना है. तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस. अगर आप ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो तो टेंशन स्ट्रिंग में कैसे जनरेट होगा, तो वो फाइंड करना है.
या फिर आप इस डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हो, तब आपको ये स्ट्रिंग में कैसे टेंशन जनरेट हो रहा है वो फाइंड करना है। तो हम पहला केस देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने M1 पे फोर्स लगाया है, तो आप सोचो जैसे आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फोर्स पहले कहाँ पे लगेगा, तो 10 kg यानी कि M1 पे लगेगा, राइट। अब M1 जो है वो ऐसे खींचने की ट्राई करेगा, तो उसका अपोजिट कौन करेगा, तो ये करेगा इसका अपोजिट, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या, तो इस जो भी डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट स्ट्रिंग में क्या होगा, तो टेंशन जनरेट होगा यहाँ पे, राइट। चलो तो ये इसका अपोजिट करेगा, लेकिन ये 20 kg है और उसके कंपेयर में ये F = 600 N है, तो ये ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, ये पूरी फिगर किस डायरेक्शन में चली जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन में, यानी सेकेंड टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा, राइट। कौन से डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, क्लियर। तो सेम एज अदर केस, जैसे आप फोर्स यहाँ पे दे रहे हो 600 N, तो ये 20 kg फर्स्ट ऐसे मूव करेगा, तो उसका ऑपोजिट कौन करेगा, 10 kg, राइट। तो आपको फिगर पहले ऐसे मिलेगी यहाँ पे ऐसे, और फिर ये मूव करेगा तो उसके उसी की डायरेक्शन में, सॉरी ये इस डायरेक्शन में मिले था और ये इसी के डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, तो एकदम इजी है। एक आप समझ गए हो तो आप दूसरा इजीली काउंट कर पाओगे। हम एक किस्सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हैं, बाकी का आपको खुद ट्राई करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन हम लिखने की ट्राई करते हैं। नाउ द इक्वेशन फॉर, द इक्वेशन फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ये हमारा ए और ये हमारा बी, राइट। नाउ फर्स्ट फॉर एम वन ऑब्जेक्ट, फॉर एम वन ऑब्जेक्ट, राइट। तो क्योंकि उस पर हमने फोर्स लगाया है फर्स्ट, तो देखो फोर्स जैसे ये तो लग रहा है, फोर्स जैसे लग रहा है तो ये स्टेडी में से मोशन में आ गया, ये दैट मीन्स उसके पास वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई दैट मीन्स एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया और उसके पास अपना मास भी है, यानी एम वन ए मिल गया आपको, किसकी वजह से, तो फोर्स की वजह से। तो ये फोर्स कितना है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो तो है ही, माइनस उसका अपोज कौन कर रहा है, ये टी, वो फोर्स इतना रहेगा, ये फोर्स कितना रहेगा, उसका अपोजिट, ये इज इक्वल, ये अपोजिट है ना, ये फोर्स देखो F माइनस टी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो F माइनस टी इज इक्वल क्या मिलेगा आपको, एम वन ए, इक्वेशन नंबर वन दे दो यहाँ पे। चलो ये हो गया, नाउ फोर एम टू, फोर एम टू के लिए अभी हम लिखेंगे, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट, तो क्या मिलेगा आपको, अब ये इसी डायरेक्शन में है, M2 तो है, अब यहाँ पे इफेक्ट होगी, तो M2 के लिए फोर्स और टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, दैट मीन्स F इज इक्वल एम टू ए तो मिलेगा ही आपको, बट F इज इक्वल ओनली क्या मिलेगा, T इज इक्वल एम टू ए मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है, T इज इक्वल एम टू ए मिलेगा, तो इक्वेशन नंबर टू दे दो इसको। नाउ व्हाट, टेक रेशियो ऑफ वन एंड टू, टेक रेशियो ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड टू। चलो वन हमारा क्या है, तो एफ माइनस टी इज इक्वल एम वन ए, तो एम वन ए बाय यहाँ पे एम टू ए इज इक्वल एम वन ए एफ माइनस टी बाय टी, क्लियर। चलो तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये ए और ये कैंसिल हो गया, राइट, इसको अलग कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो एम वन बाई एम टू इज इक्वल एफ बाई टी माइनस टी बाई टी, तो ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे वन मिलेगा, एम वन बाई एम टू इज इक्वल एफ बाई टी माइनस वन, अब माइनस वन को हम लेफ्ट साइड लेंगे तो एम वन बाई एम टू प्लस वन इज इक्वल एफ बाई टी मिल जाएगा आपको। चलो ये हो गया, जिसमें आप वैल्यू रखो तो M1 यानी 10 kg और M2 यानी 20 kg प्लस 1 इज इक्वल 600 डिवाइड बाय टेंशन, अब टेंशन को सब्जेक्ट बनाओ और ये पूरी वैल्यू फाइंड करो, तो ये आपको फर्स्ट केस के लिए मिल जाएगा फॉर ऑब्जेक्ट A पे जो आपको फोर्स लगाना है उसके लिए। अब आप ये पूरी फिगर चेंज करके आप इस साइड फोर्स लगाओगे, तो वो केस आपको खुद ही ट्राई करना है,
और सेम एज एग्जाम्पल जो है आपका वो भी आईएमपी एग्जाम्पल है एग्जाम के लिए, तो वो है 5.16। तो ये भी हमने करवाया है, तो वो आपको खुद ही ट्राई करना है। सो अच्छे से प्रिपेयर करो, यूनिट 5 की तैयारी करो, प्रैक्टिस करो। सबको बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। थैंक यू।